बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह आगाज़ करूँगी अपने प्रोग्राम का रब्बे कायनात की हमद व सना से। तमाम का दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिराह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपको दो अहम शख्सियात मेरे साथ नज़र आ रही हैं, इनका मैं आपसे तारुफ कराऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बताऊं कि आज मेरी खुशकस्मती, मैं सिटी कोर्ट आई थी एक मगवी बच्ची के केस के हवाले से और मुझे यहाँ पर मोहतरम जनाब आफ्ताब बकाई साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आपने इनको बकायदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर लगी हुई पाबंदी के केस पर जो इन्होंने पटिशन दाखिल कराई थी उस हवाले से, और जो बच्चों ने रैली निकाली थी अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में, उस हवाले से आपने इनको बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा और सुना होगा। और मेरे दूसरी जानब बैठी हैं सीनियर एडवोकेट जनाब सादिया गौरी साहिबा, जो कि मैं इनकी बड़ी फ़ैन हूँ कि इन नामसाज हालात में इन्होंने बड़ी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया। अस्सलाम वालेकुम। तो बात का आगाज़ करेंगे बुज़ुर्ग रहनुमा मुतहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले जनाब आफ्ताब बकाई साहब। आफ्ताब बकाई साहब, पहले तो ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है और हमारी भाभी जान की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत सब ठीक है, लेकिन मिसेज जो है वो डायलिसिस के प्रोसेस से गुजर रही हैं, ये सही है। हमारी और पूरी कौम की दुआएं आपके और आपके खानवादे के साथ हैं कि परवरदिगार आलम बहुत से मोहम्मद वाले मोहम्मद उनको सेहत और तरक्की दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपका बताइए साहब, पहले तो थोड़ा सा मुझे अहवाल बताइएगा कि आपने जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए पटिशन दाखिल कराई थी उसका मौक़ क्या था? मेरा मौक़ सिर्फ ये था कि अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी लगी है वो लाहौर हाईकोर्ट ने लगाई है और एक सिंध के शहरी की हैसियत से लाहौर हाईकोर्ट को इसका कोई हक नहीं पहुँचता कि वो सिंध के शहरी को लाहौर हाईकोर्ट में सजा दे ले जा सके या उस पर कोई पाबंदी आयद करे। मैं अपने मौक़ पर अब भी कायम हूँ, सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन सिंध का बेटा है और अगर सिंध की हाईकोर्ट ना होती और ऐसा कुछ ना होता हमें तो फिर आप लाहौर में किसी को कर सकते थे पहुँचे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसके लिए बेहतरीन जगह थी। लेकिन एक तरफ अल्ताफ़ हुसैन ने मुतहदा कौमी मूवमेंट बनाई महाजिद कौमी मूवमेंट के बाद, जब उनको ये देखा उन्होंने कि बहुत सारे लोग और भी मजलूमीन हैं पाकिस्तान में रहते हैं 98% लोग, तो उन्होंने महाजिद कौमी मूवमेंट को मुतहदा कौमी में तब्दील किया ताकि पूरे पाकिस्तान के तमाम मजलूमों को इंसाफ दिला सके एक तरफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये मौक़ है कि लाहौर ले जा करके एक सिंध के बेटे को सज़ा दी जा रही है और वो भी 5 महीने 6 महीने की सज़ा थी, इसको अभी तक कंटिन्यू किया गया है, उसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। इसलिए मैंने ये पिटिशन दाखिल की थी कि अल्ताफ़ हुसैन को इंसाफ मिल जाए, उनकी तहरीर तफरीर और तस्वीर पर पाबंदी खत्म की जाए। पाकिस्तान में जितना हक अलिफ को है उतना ही हक बे को है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब पाकिस्तानी होने की हैसियत से बराबर के हकूक रखते हैं और हमारे हकूक का तहफ़ किया जाए, हमारा हक दिया जाए। हम जिस हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो हक़ है पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को पाकिस्तानियों जैसा हक हासिल होना चाहिए। किसी को भी डोमिसाइल की बुनियाद पर कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए, कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ पे किसी को बर्तरी नहीं होनी चाहिए, यही मेरा मौक़ था। जो आजकल एक जुमला चल रहा है प्लेइंग फील्ड, वो चाह रहे हैं? जी, मैं चाह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग एवन फील्ड वाले जो हैं वो सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दे, खुद ना खेलें दूसरों को भी खेलने का मौका। सही। अच्छा, मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि क्या आप मुतहदा के दरीना कारकुन हैं कोई सेटअप के अंदर, मतलब राबता कमेटी में या कोई 90 की जो मरकजी कमेटी वगैरह थी उसके कोई मेम्बर वगैरह रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो मैं किसी जिम्मेदारी पर आए नहीं, फायल नहीं रहा वहाँ। अलबत् गल्फ में मैंने मेज़बान पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी 88 में, उस वक्त हम 5 साथी थे जिन्होंने मेज़बान पाकिस्तान की बुनियाद रखी और हम मेज़बान पाकिस्तान का दूसरा मकसद जो है वो यही था कि कराची में होने वाले जो भी लोग हैं, रहने वाले जो भी लोग हैं, हम उनकी मदद कर सकें। तो इस तरह हमने उस मदद के लिए मुतहदा कौमी मूवमेंट से सुना था कि मुतहदा कौमी मूवमेंट के पास एक बहुत अच्छा इदारा था खिदमत खल्क, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया हमेशा वहाँ पर रहते हुए और मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये अचानक से मतलब इतना खौफ का माहौल, इतने फेड मिल रहे हैं और आपकी जो उम्र हम देख रहे हैं तो इस उम्र में तो इंसान डरता है,
लेकिन हमने आपका जो जोश और जज्बा देखा तो वो ऐसा लगता है कि किसी नौजवान का तो अचानक से क्यों ख्याल आया आपको कि आप पाकिस्तान के लिए पटिशन दाखिल कराना है? नहीं, ये अचानक का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया, ये ख्याल मेरे पास मैंने निसार पवन भाई को देखा था आज पटिशन दाखिल करते हुए, और मैंने सोचा कि भाई हमें भी दाखिल करना चाहिए, हमें भी दाखिल करनी चाहिए पटिशन, तो दाखिल कर दी। मतलब आपने हिम्मत पकड़ी निसार पवन को देखते? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि निसार पवन भाई मेरे जो है वो मैंने उनकी तकलीफ की, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ इस मामले पर, उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया और जो जिस सूरत हाल से वो गुजरे मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसी सूरत हाल से गुजरे। आपका बताई साहब, वैसे तो मैं आपसे बहुत मिलने की कोशिश कर रही थी लेकिन चले खुदा का शुक्र है कि आज अचानक आपसे मुलाकात हुई। आज आप सिटी कोर्ट में क्यों मुझे नजर आ रहे हैं, आज आने का क्या मकसद था? आज आने का मकसद ये था कि हुकूमत ने हमारे सामने एक जाली मुकदमा बनाया था और मैं समझता हूँ कि वो उनके कम अकल मिश्रों ने हमें मशवरा दिया होगा कि आपका लड़ाई को इसमें फिट करें। अच्छा, लिहाजा मुझे रेंजर्स के लिए गिरफ्तार करवाया गया 10 जुलाई को, और उसके बाद मुझे मैं बहुत सारे तफ्तीशी मराहल से गुजरा, तो फिर मुझे ये पता चला कि वो मुझे रमन टाउन ले जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने इसकी वजह क्या है, कहने हम आपको रैली के केस में बंद करना चाहते हैं, मुझे शौक से बंद कीजिए, हमको अगर आपकी फरमाइश है तो हम हाजिर हैं इसके लिए। तो डर नहीं लगा आपको? किस बात का डर? मतलब आपको ले जा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम आपको बंद करना चाह रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुझे ले जाने की जब कोशिश की थी तो मैंने वो किया था कि बस दो चीज़ें हो सकती हैं आर या पार। तो ज़रा भी आपको जहन में कुछ ऐसा हंसी नफर आरिफ का तस्वर नहीं आया? तो सब लोगों का तस्वर मेरे जहन में था और मैंने भी सोच लिया था कि जो कुछ भी होना है तो होना है, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, तो ऐसा होता रहा है हम लोगों के साथ, उर्दू स्टेडियम के साथ, खासतौर पर कराची रहने वालों के साथ। आप ये देखते हैं आजकल क्या हो रहा है कराची, रोज़ाना कोई ना कोई नौजवान मोबाइल स्क्रीन का वो मारा जा रहा है, मोबाइल भी उसका जाता है, उसको मार भी दिया जाता है, और अब शॉपिंग मॉल्स को जलाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, हम भी अंदाज़ा लगा रहे हैं इस बात का, तो हमें जब इस नर्क में रहना ही है, इस जहन्नम में रहना ही है, तो हमें डरना क्या? अच्छा, हम बात कहीं और निकल गई, पूछ रही थी ना आप आए क्यों यहाँ पर? हाँ, आज मैं आया था कि मुझे वो आज पेश होना था अदालत में, हमारे केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो हम वहाँ गए थे तो पता चला कि अल्लाह के फजल करम से हमारा जो है वो केस ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे इसकी कोई खुशी नहीं हुई है केस ख़त्म होने की। केस ख़त्म होने की तो हमें उस वक्त खुशी होगी जब मेरे फायद से तहरीर तकरीर और तस्वीर की पाबंदी ख़त्म होगी, तब खुशी होगी। हम मुकदमे बनते रहते हैं, चलता रहता है, ये ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी कराची वाली। क्या अज़्म और जज्बा है आपका कि आप कह रहे हैं कि मुझे आज़ादी मिलने पे, बाइज्जत बरी होने पे मुझे खुशी नहीं हो रही है? और कोई खुशी नहीं। अच्छा, बिल्कुल। नाज़रीन, कल जब आयशा मंजिल पे लगी हुई आग के हवाले से मैं आपके साथ लाइव आई थी तो मैंने उस वक्त अपने दिल के छाले फोड़े थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें इन खौफ के बुतों को तोड़ना होगा, हमें अपनी जंजीरों को तोड़ना होगा और अपने हकूक़ के लिए, अपनी सरबुलंदी के लिए अपने आप को पहचाने और हमें निकलना होगा। तो ये मिसाल आपके सामने है और एक मिसाल जो मैंने आपके सामने जान के जिक्र किया, प्रोफेसर जनाब हसन जफर आरिफ जो एक बुज़ुर्ग थे और वो एक नेशन के लिए निकले थे, और दूसरे ये जितना मैं इनकी तारीफ़ करूँ, जितना इनका एहतराम करूँ कम है। और उसके बाद मेरे साथ खातून एडवोकेट बैठी हैं सादिया गौरी, जो मैं इनको सलाम पेश करूँगी कि कराची के जो हालात हैं, जिस तरह से हम पर कदगन लगाया जा रहा है उर्दू बोलने वाले महाजिरों पर, महाजिरों की औलादों पर, बानियान पाकिस्तान की औलादों पर, उस घुटन के माहौल में ये ताज़ा हवा का झोंका है। उम्मीद है अवाम अगर इनसे ही हिम्मत पकड़ ले, इनकी जुर्रत को, इनकी अजमत को देख के हिम्मत पकड़ लें, तो यकीन जाने कि ये जो हम पर खौफ के बुत कायम किए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ खाली एक ऐसा रेत का ढेर है कि जब आपका इत्तेहाद हो और आप सोच लें कि अब हमें अपने हकूक लेने ही लेने हैं, तो ये रेत की मानें टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सबसे पहले तो आपकी जुर्रत और हिम्मत को बेपनाह खराज तहसीन सलाम, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप जैसे लोगों को देखते हैं, हम सीखते हैं कि जब आप एक औरत होकर इतना मैदान में डट सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, जब ये खातून एक जा रही है तो मुझे भी हक की आवाज़ बनना चाहिए। तो ये केस आपने लिया, आपको कोई लंदन से डॉलर पाउंड्स वगैरह आए, किस बिहाफ पे आपने ले लिया ये केस? नहीं, कोई डॉलर कोई पाउंड्स वगैरह नहीं आए हैं, और
हम भी आपकी तरह और भाई की तरह और बाकी कौन की तरह अल्लाह के साथ भाई से मोहब्बत करने वाले हैं। और मैंने पहले भी इंटरव्यू में ये बात बोली थी, अभी भी कह रही हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं ना, इसने मेरे अंदर ये चीज़ पैदा की कि भाई मरना तो वैसे भी बिल्कुल तो खड़े हो। आप यकीन करें पूरे कराची में ये हाल है। हम अपने घर जाते हैं, ना लाइट होती है, ना गैस है, ना पानी है। तो भाई एंट्रियम के दौर में ये सब कुछ अजियतें नहीं थी, तो हम तो कौन सी एंट्रियम एंट्रियम में एक ही नाम। अच्छा एंट्रियम तो एक ही है, तीन चार नाम है। नहीं वो कोई कहता है बहादुराबाद, कोई कहता है कि PIB, कोई कहता है कि फला फला फला। देखिए सियासत करने का हक सबको है, अगर उन्हें करनी है तो वो करें, बेशक करें, लेकिन नाम मेरे ख्याल से उन्हें कॉपी नहीं करना चाहिए। तो उधार लेके सियासत क्या आप चला रहे हो, उसी के नाम पे सियासत चला रहे हो जिसको आप बुरा कहते हो। मैं तो नहीं समझती ऐसा हो, लेकिन ये सारी जो हालात जो जैसे भाई ने जिक्र किया कि इतनी बदअमनी और हमारे इलाके में मेरी आंखों के सामने दो तीन दफ़ा डकैती हुई, तो मैंने कहा भाई मुझे तो एक ही हल लगता है कराची का अल्लाह से। तो मैं इस वजह से और मैंने कोई डिस्कशन की पेमेंट नहीं ली, सिर्फ अल्लाह भाई की मोहब्बत में मैंने जो है ये कदम उठाया। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अल्ताफ हुसैन भाई को कि आज जो है उसके कारकुनान जैसे कि बेबुनियाद जो है वो केस खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा राबता कमेटी और जितने लोग बरी हुए हैं उन सबको, उनकी फैमिली को, तमाम कौम को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ये केस जो है वो ख़त्म हो गया। बेबुनियाद केस था वैसे भी बलवे के और हंगामा आरई के और फरका वाराना फसादात के, ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस साबित भी नहीं कर पाई, कोई एविडेंस नहीं दे पाई, तो जाहिर है फिर भी मैं समझती हूँ कि कुछ ना होते हुए भी बहुत अरसे ये लोग तकलीफ में रहे, लोग गरीब और अपना काम लगी बंदी जैसे जो थोड़ी बहुत रोजी बेचारे कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके घर वालों को खिला रहे हैं, वो छोड़ छोड़ के बेटियों पर आते थे, तो आज जान छुटी है उससे। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि लाहौर हाईकोर्ट से मैं आपके रेफरेंस से अपील करूँगी कि वो भी नोटिस लें, हमें अर्जेंसी लगाए बहुत टाइम हो चुका है। हम वहाँ मुसलसल रब्ता करते हैं, मालूमात दे रहे हैं कि भाई आप हमारी अर्जेंसी एक्सेप्ट कीजिए, आप हमें भी सुनिए। जहाँ और लोगों के आप धड़ केसेस जो है वो उन पर लगी हुई जो पाबंदियाँ हैं कैमरा के थ्रू और वो आप सुनवाई कर रहे हैं, तो आप हमारी भी सुनिए ना। ना अर्जेंसी एक्सेप्ट हो रही है, ना हमें डेट दी जा रही है, हियरिंग डेट दी जा रही है, और फिर हियरिंग डेट पर मामला थोड़ी ख़त्म हो जाएगा भाई। आप आगे फिर नोटिस होगी, एक प्रोसीजर है। तो अगर तो अल्ताफ हुसैन साहब को आप समझते हैं कि वो कसूरवार हैं, तो फिर ट्राई करें ना, डर किस बात का। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, या आप साबित कर दिएगा या हम साबित कर देंगे, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। और ये बात जो अभी अल्ताफ भाई ने कही, मैं इसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि बकुआ हुआ सिंध में, उस पार्टी का मरकजी दफ्तर सिंध में, बात कही गई सिंध में, फिर लाहौर में वो केस क्या कर रहे हैं। हम सिंध हाई कोर्ट जाते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं लगाई पाबंदी। हाँ ठीक है, आपके इल्म में होगा आसमान जहांगीर साहिबा जो हैं वो वरुण माल्या उनकी मफरत फरमाएं, वो सुप्रीम कोर्ट गई, तो वहाँ भी यही हुआ कि भाई अदालत से फैसला लाओ। मजे की बात यह, आज मैं ये बात सबके सामने मैं डिस्क्लोज करूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं पाबंदी है पाबंदी है, अभी तक कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया। लाहौर हाईकोर्ट ने जितनी भी फाइल्स वगैरह देखी कि लाहौर हाईकोर्ट ने कोई पाबंदी लगाई थी, सिर्फ 2015 में जो पैमरा का नोटिस जारी हुआ था उसको बाद में जो है उन्होंने दो दफ़ा उन्होंने फैमरा ने खुद उसको रिवाइज कर लिया। जिस तरीके से तबाही हुई कराची में, यूनिट ऑफिस गिराए गए, सेक्टर गिराए गए, जो पाबंदी थी वो सिर्फ 6 माह की थी। आप लोग तो कानून ज़्यादा जानते थे। नहीं भाई अल्ताफ हुसैन साहब पे आपको बात बुरी लगी थी ना, आपने पाबंदी लगा दी। मैं अदर साइड जो मैं आ रही हूँ, जिस तरफ मैं ये कह रही हूँ कि ये कहाँ लिखा था कि सेक्टर यूनिट ऑफिस सब गिरा दिए जाएँ, जी कोई आवाज़ भी ले तो उसकी गर्दन दबा दी जाए, पूरा नेटवर्क जो है पूरा एक जो स्ट्रक्चर था पार्टी का वो तबाह कर दिया जाए। हाँ। तो कहीं भी नहीं था ना, ऐसा तो कोई ऑर्डर मिल ही नहीं रहा। हाँ। और चले हो गया, वो भी हो गया, चले अब आगे क्या। आगे ठीक है ना, इतनी लंबी सजा कि 2015 से अभी हम 2024 में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना तो कोई सुनवाई है ना वो। तो मैं अदालत से, लाहौर हाईकोर्ट से भी अपील करना चाहूँगी कि भाई इधर भी वकील हैं और इधर भी जो है वो सिंधी का एक बेटा वो आपसे अपील कर रहा है और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि भाई आप हमें मौका दें, आप हमें सुनें। और बिल्कुल वो ठंडा पड़ा हुआ है मामला। सही। अच्छा मैं अगर आपको सादिया कहूँ तो नाराज तो नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल ना, उम्र में नहीं नहीं। तो सादिया ने बड़ी प्यारी बात कही कि भाई मुझे कोई पाउंड्स और डॉलर नहीं मिल रहे, मैं तो कराची के हालात देख के जो है
खुद अपने तौर पे आई हूँ, तो भाई पाउंड डॉलर तो मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुझे बेपनाह दौलत मिली है, वो दौलत जो आप यकीन करें पूरी कायनात की दौलत खर्च कर देना, आप कारून का ख़जाना लुटा दें तो वो आप नहीं खरीद सकते। क्योंकि जब से मैंने इस चैनल पे अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से कुछ चलाना शुरू किया, उनके लिए आवाज़ उठानी शुरू की, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर नहीं उनकी कौम पे जुल्म हो रहा है, जिसको तितर बितर कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर उनके नौजवानों को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया जाता है कि वो अपना मोबाइल बचाना चाहते हैं। तो तमाम जैसे कि सादिया ने बताया कि इतने मजालिम देख के वो खुद मैदान अमल में कूद पड़ी। तो जब से मैंने ये सब करना शुरू किया मुझे तो इतनी दुआएँ मिल रही हैं, इतनी दुआएँ मिल रही हैं, शायद ज़िंदगी में कभी इतनी दुआएँ ना मिली हों। तो ये जो दुआएँ समेट रही हूँ ना, ये कानून के खजाने से ज़्यादा है। क्यों सादिया जी? बिल्कुल, ये मैंने भी जब जवान टाउन में आपने देखा होगा कि सबको अरेस्ट किया गया, उसके बाद जब वहाँ से बेल करवाई है तो फौरी तौर पर एनपीओ के तहत इन्हें उठा लिया गया था। एनपीओ में आप यकीन करें वो जुलाई जो मैंने जिस तरीके से गुजारा है ना, ना खाने का होश ना पीने का होश, 80-90 बंदा जो है उसमें नॉमिनेट कर दिया गया, खुद जजेस वहाँ के बोल पड़े कि मतलब पुलिस से कि आप लोग इतने एफिशिएंट हैं, आपको सारे चेहरे याद रहे, वेरी गुड, और आपने उठा उठा के शिकर कोई तो हम बोला एमपीओ लिफ्ट हुआ, लेकिन एक जाहिर है सबके अलग अलग स्टेशन लगाना ये करना बहुत उसमें टाइम लगा। और यहाँ के कराची के शहरी को एक और ये तकलीफ है कि उनके जो 30 दिन ज़ाया किए गए कोई कंपनसेशन वगैरह उनको नहीं अदा किया गया ना। किसी और के साथ होता तो जाहिर सी बात है, बहुत फर्क है। अब तो ये बात कहते भी ना, मतलब कहते हैं यूज़ हो उस जुमले से ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई कम्पनसेशन इन लोगों को अदा नहीं किया गया। इनकी बीवी उस वक्त वेंटिलेटर पे, भाभी जो है आपका भाई की बेगम, उस वक्त वेंटिलेटर पे थी और ये असीर। उस वक्त जो उनके घर वालों की हालत थी ना, जो उनके बच्चों की हालत थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उनको भी फेस कर रही थी, कोर्ट को भी फेस कर रही थी, और ये भी टेंशन थी कि अल्लाह करे सब कुछ खैर खैरियत रहे। तो बहरहाल वो मामला तो निमट गया, और हाईकोर्ट का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने उस वजह से निजात दी थी। बहर जब हम वापस इस तरफ आए हैं तो शायद ये केस कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया होता, लेकिन ऐन वक्त पे आदिल अली साहब के कोर्ट से फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये केस भी ख़त्म हो गया। तो वो भी सुकून से बैठेंगे। बेहद गरीब लोग जिन्हें देख के मुझे तकलीफ होती थी ना, बिल्कुल टूटी चपले फटे कपड़े, तो उनका भी हमने बस भाई की मोहब्बत में और ये कि बिला वजह इसमें गिरफ्तार किए गए हैं तो उनको भी देखा। अब आगे बस सब पूरी कौम से ये मेरी अपील है कि दुआ करें कि अल्ताफ हुसैन भयंकर लगी हुई जो भेजा था अपने लिए उसको ख़त्म किया जाए। और ये अगर देखिए एक बात ख्याल में उनके मुँह से निकल गई, मुसलसल लाशें देखना, मुसलसल अपने पदारों की लाशें देखना, और ना कर पता नहीं ना पता होना, ये भी हैरत अंगेज बात है कि ना सिर्फ कराची में, कराची बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी जिस तरह से उनके कार्यक्रमों को कत्ल किया गया, बड़ी हैरत अंगेज बात है। खैर तो अल्ताफ हुसैन भाई से अगर मुँह से कुछ अच्छी बात निकल भी गई थी तो आप जो है, मैं पहली बात तो मैं इसको मैं वो नहीं कर रही हूँ डिपेंड, लेकिन मैं ये सब मजम्मत करती हूँ उस बात की जी, और ये हुआ कि काफ़ी दिन वो खामोश बैठे रहे, तो नहीं गलत कहा, नहीं मैं तो ये कहूँगी ना कि देखिए उनके मुँह से निकला तो उन्होंने फ़ौरन ही रिग्रेट भी किया ना जी, उन्होंने इससे पहले क्या किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, मगर जिन्होंने इनके मुँह में दी वो बात, वो तो यहाँ फैक्ट्री में घूमते वॉशिंग मशीन में घूम चुके हैं, वो तो मौजूद, हाँ वो मौजूद अच्छा। है, उनकी आवाज़ साफ आ रही है लेकिन उनका तो कोई पकड़ नहीं है ना, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने ये बात कही कोई, और इससे सब जुमले कहे, इससे सब जुमले कहे, असेंबली फ्लोर पे कहे गए जी, हमारी पास बहुत के खिलाफ असेंबली फ्लोर पे कहे गए, लेकिन कोई उनकी पकड़ धकड़ नहीं। अगर एक हफ्ता पहले कराची में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान नाव कप्पे के नाम जी, आपने उसको भी देखा होगा जी जी, बिल्कुल तमाम एजेंसियों के बड़े बड़े वहाँ पे इदारे हैं, सारे इदारों की मौजूदगी में, बावर्दी लोगों की मौजूदगी में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान नाकपे का नारा लगा है और कुछ नहीं किया गया उनको, बल्कि हमारे मुँह से तो अल्फाज निकलते हैं तो हमने माफ किया। 9 जुलाई और 9 मई में बड़ा फर्क है, आप 9 मई को देख लीजिए, 9 मई में असासे कौमी असासे ही कहूँगी मैं उन्हें ना, बिल्कुल उनको नुकसान पहुँचाया गया, एक तबाही मचा दी गई थी। और 9 जुलाई को कुछ नौजवान अगर अपनी बाइकों पर निकल आए और उन्होंने
एक अपने पसंदीदा सियासतदान के हक में अगर उन्होंने नारे लगा दिए वो वसब हो गया। जुलाई से अभी दिसंबर तक उनको रगड़ा गया उसको रगड़ना बोलेंगे ना, उन्होंने और उनकी फैमिलीज ने सफ़र किया। बिल्कुल। अब बात यह है कि आवाम की एक बड़ी तादाद करोड़ों की आबादी अगर ये चाहती है कि उनका लीडर बहाल हो जाए तो उनकी ख्वाहिशात का क्या? क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या उनका शनाख्ती कार्ड जो है पाकिस्तान का नहीं है? तो उनकी ख्वाहिशात को भी तो भाई आप मद्देनजर रखिए ना, आप एक मौका दीजिए। अगर आप समझते हैं कि गलती हुई तो आप ट्रायल कीजिए। मैं कहती हूँ वो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, हैरत की बात ये कि एक कोर्ट जो है इस्लामाबाद कोर्ट के जस्टिस जो हैं वो करार दे रहे हैं कि नारे को कितने ही सख्त क्यों ना हो उन्हें गद्दारी करार नहीं दिया जा सकता जी, ठीक है। और दूसरे कोर्ट चंद अल्फाज को जो है वो बहाना बनाकर वो उन्होंने एक लंबी मुद्दत तक के लिए जी पाबंद किया हुआ, खामोश किया हुआ है। अब तो इलेक्शन सर पर है, अगर बहुत बहुत बड़ी तादाद जो है वो आवाम की ये चाहती है, उनके मकसद कराची की जमात नहीं रही है, ठीक है ना, तभी थी कराची की जमात, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि अल्ताफ हुसैन जो कुछ कहते थे वो सच था और अब लोग जो हैं उन्हें सुनना भी चाहते हैं और कराची की बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद उन्हें ब्रॉडकास्ट करना चाहती है। तो हम भी अलावा हाईकोर्ट से ये डिमांड करेंगे कि भाई आप जो हैं वो हमें सुने। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं वो कहते हैं फैसला लॉ फैसला कोई है नहीं। तो अब डिपेंड करता है लाहौर हाईकोर्ट पर कि अगर वो आपके वीडियो को रेफरेंस से हमारी अर्जी सुन लें और वो हमें मौका दें, अर्जेंसी जो एक्सेप्ट करें और क्या नाम है हमें डेट दें, हम आएंगे लाहौर हाईकोर्ट और हम प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपने बताया कि लोगों ने सफ़र किया और इम्तहान गरीब गरीब लोग थे, तो उसी दौरान मेरे जहन में एक सवाल आया कि आपने इतना ख़तरनाक केस लिया और बड़ी हिम्मत जुरत का मुजाहरा किया, मैं फिर एक बार आपको सलाम करूँगी। उस दौरान आपको कोई खरीद जाए आपके काम में रोड़े पाने की कोशिश की गई, आपको डराया गया धमकाया गया? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं आया किसी भी जानब से, कोई मेरा मुझे फ्रेंड नहीं आया। मैंने बासानी अपना काम किया, मुझे किसी ने कब फ्रेंड दे दिया। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बात सुन के कि सादिया ने जब एक कदम उठाया तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बता रही है कि इनको कुछ ले नहीं है। तो देखिएगा ना, मैं हूँ एक वकील, अंडरस्टूड सी बात है ना कि एक बंदा अगर केस ले रहा है अगर उसको कोई थ्रेड आएगा या वो खामोश हो जाएगा तो दूसरा हटेगा तीसरा आएगा। वकील का काम है केस लड़ना, आप हमें इनका नहीं कोई और केस दीजिए हम वो भी लड़ेंगे, लेकिन इसको अपनी मर्जी से लड़ना वो एक अलग चीज़ है, वो एक मोहब्बत है, वो एक फौकियत है, वो लड़ रहे हैं, हम वकील हैं, हमारा काम केस लड़ना। आपके चेहरे की चमक हम मुस्कुराहट बता रही है कि ना सिर्फ कराची के नामासाइद हालात को देख के आपने केस लिया, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप अल्ताफ लवर में से शामिल हैं। कराची का ना शायद ही कोई बंदा हो जो मैं समझती हूँ काफ़ी ना हो। अच्छा, तो अभी जो बल्कि मुझे ऐसा लगता है अक्सर मेरी बहस वकील मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, क्लाइंट्स आते हैं वो जो इधर उधर पार्टीज में हैं तो वो सवाल एक ही करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है उससे, बाकी भाई कब आ रहे देखो भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम तो इधर उधर निकल गए हैं, नहीं हाँ भाई कब आ रहे, मतलब एक दिल में जो मतलब दूसरी जमातों के लोग भी दूसरी जमातों मतलब जो इधर उधर निकल गए, मैं उनकी बात कर रही हूँ, दूसरी जमातें वालों को बस पार्टी और वो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो इधर उधर निकल गए जान बचाने के लिए। हाँ किसाई बात जैसे तो वो भी पूछते हैं कि वो भाई कब आ रहे हैं, तो बड़ी मुझे खुशी होती है इस चीज़ से। और वो पहली मोहब्बत कहते हैं ना भूलता नहीं है, तो वो पहली मोहब्बत नहीं भूल सकते। और जैसे ही इंशाल्लाह भाई बहाल होंगे और हेलो की आवाज़ आएगी फिर मजमा देखिएगा इंशाल्लाह। और हम गुजारिश करेंगे अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी, अदालतों से भी कि भाई कराची के आवाम को भी आप अपना समझें, हम भी मोहब्बत करते हैं आपसे, तो आप अपना समझें और मौका दें। बिल्कुल नाज़रीन, सादिया की बात आगे बढ़ाऊँगी कि अरबाब इख्तियार के पास तो इख्तियार है, उनके पास तो ताकत भी है, इक्तदार भी है, हुकूमत भी है,
अगर उनको लगता है कि अल्ताफ हुसैन साहब गलत हैं या उनकी सोच गलत है या उनका काम गलत है, तो आवाम की राह पे उनको एक चांस दें। और आपके पास तो इख्तियार है, अगर आपको लगे कि ये कोई गलत डगर पे जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो आप दोबारा से उनको माइनस कर दीजिएगा, आप दोबारा से उनको पाबंदी लगा दीजिएगा, ये तो आपके अपने हाथ में है। तो बहरहाल सादिया से बहुत अच्छी बात हुई, आपका बकाई साहब से बहुत अच्छी बात हुई, और आखिर में यही कहूँगी, यही पैगाम दूँगी इस तमाम तर प्रोग्राम में जो हमारी आपस में बात हुई उससे, कि जिस तरह से आप देख रहे हैं मैडम सादिया गौरी को, आपका बकाई साहब को, कि इनकी वाइफ जो है वो वेंटिलेटर पर थी और ये गिरफ़्तार थे, और जिस तरह सादिया ने बताया कि इंतहाई गरीब गरीब लोग जो हैं वो निकले थे और उनको गिरफ़्तार किया गया, तो मेरे वो देखने वाले जो खौफ और दहशत का शिकार हैं वो भी अपने हकूक़ के लिए निकलें। और बार बार कह रही हूँ, खौफ का एक जो पहाड़ है उसको ढा दें, खौफ का बुत तोड़ दें। और सादिया ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि जो कारकुनान दूसरी जमातों में पनाह ले ली है उन्होंने अपनी जान की हिफाज़त के लिए, तो वो इनसे पूछते भाई कब आ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, और फिर इजाज़त चाहूँगी कि जिस दिन एमकेएम पाकिस्तान का पहला जलसा था मलीर में, तो जब मैं गई तो मुझसे बहुत अच्छी तरह सारे रहनुमा मिले, तो कुछ रहनुमा ऐसे थे कि जब मैं बाहर जाके मतलब जलसा में आगे जाके लोगों से उनका ओपिनियन ले रही थी, तो उन्होंने बाकायदा मेरे कान में आके कहा जी अल्ताफ, और मैंने उनको पलट के हंस के देखा, मैंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी है, तो वो ये कहते थे आगे निकल गए यार समझा करो। तो ऐसा ही है कि जान बचाना तो देखिए वाजिब है, अल्लाह ताला ने कहा कि जान बूझ के आग के अंदर कूद जाओ। भारत नागरी, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, बिलखसूस मैडम सादिया की और आपका बकाई साहब की जो जद्दोजहद है, और इस दौरान इन्होंने जो जो कुछ सहा वो यकीनन आपको जो है एक सबक मिला होगा। आपसे इजाज़त लेने से पहले दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगेमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।